नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुई टेस्ट सीरीज को इंडिया ने 4-1 से गंवा दिया, जिसके बाद आम क्रिकेट प्रेमी से लेकर क्रिकेट दिग्गज तक हर कोई भारतीय टीम की आलोचना कर रहा है। विराट कोहली की टीम को चौथे टेस्ट में 60 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में कोहली की टीम को 5वें टेस्ट में 118 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। भारत की हार पर क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर ने कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। गावस्कर का कहना है कि कोहली की कप्तानी में अब वो बात नहीं है। साल 2014 में जब कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, तब उन्होंने टीम को एक नया जोश और दिशा देने का काम किया था, लेकिन उसी वक्त से ये साफ था कि विराट की असल परीक्षा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज या श्रीलंका जैसी टीमों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में हारने के बाद कोहली अपनी परीक्षा में फेल हो गए हैं। गावस्कर ने कहा कि बल्लेबाज के रूप में कोहली ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कप्तान तभी सफल होता है जब उसकी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम के कप्तान कोहली की कप्तानी पर सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि कोहली की कप्तानी में अब वो बात नहीं है जो पहले थी और कोहली को कप्तानी पद से हटा देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।